लॉकडाउन के चलते आम जनता को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि जिन लोगों के जनधन खाते हैं उनको अप्रैल के पहले सप्ताह में सरकार की ओर से पैसा दिया जाएगा। इसी के मद्देनजर कल यानी 3 अप्रैल से इन खातों में पैसा डालने का काम शुरू होगा। भारत सरकार की तरफ से निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, इन सभी के लाभार्थियों को अब जो है धनराशि वितरित की जानी है। जो पैकेज अनाउंस हुआ है इसको लेकर के कल से बैंक्स के टाइम भी चेंज किए जा रहे हैं। सुबह 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक बैंक्स जो है वो पब्लिक का काम कर पाएंगे। इसके पश्चात वो 3 घंटे तक जो है अपना जो इनमें खातों में धनराशि डाली जानी है वो व्यवस्था करेंगे और उसके बाद जो है उनको घर जाने के लिए 1 घंटे की सुविधा प्रदान की जाएगी जिसमें वो जा सकेंगे। ऐसे बैंक कर्मियों को 4-व्हीलर और 2-व्हीलर दोनों अलाउ किया जाएगा। वो जिससे भी जाते हैं और उनके पास जो है वो उनके बैंकों द्वारा निर्गत जो परिचय पत्र हैं वही उसमें किए जाएंगे। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर एक ही बैंक जो है कई गांवों के लिए जो है वो सुविधाएं देती है, तो ऐसे सभी के लिए जो है क्या कहते हैं हम गांव वाइज रोस्टर भी तैयार कर रहे हैं कि किस दिन किस गांव के लोग जो है वो बैंक आ करके अपना धनराशि प्राप्त कर पाएंगे जिससे कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो बनाई जा सके। इसके अतिरिक्त जो हमारे बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स होते हैं जो गाँवों में जाकर के पैसा बांटते हैं उनके लिए पास की व्यवस्था के लिए जो हमारे LDM होते हैं जो बैंक के नोडल अधिकारी होते हैं उन्हें अधिकृत किया गया है। वो अब इसको जो है फर्दर वहाँ से पास जारी करेंगे और जिससे कि गांवों में लोगों को जो धनराशि सरकार मुहैया करा रही है वो समय पर सभी को मिल पाए और वो जो सहायता मिल रही है उसका वो सभी लोग लाभ उठा सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ स्टूडियो, देहरादून।